होम कुकिंग विद शेट्टी में आप सबका स्वागत है। आप हमारे चैनल को पहले बार व्यू कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम बनाने जा रहे हैं मिनी कप पिज्जा अप्पे पैन में। अप्पे पैन क्या होता है? जी हाँ, हमारा नॉर्मल जो अप्पम बनाते हैं, हम अप्पा बनाते हैं, वो इस पैन को कहते हैं। आज हम इसमें पिज्जा बनाएंगे। चलिए चलते हैं अप्पा पैन में जो हम पिज़्ज़ा बनाएंगे उसका बेस की तरफ। बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदे का आटा। इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ नमक स्वाद अनुसार। यहाँ मैं थोड़ा सा ले रही हूँ ओरिगैनो का पाउडर। ये एक्चुअली एक पिज़्ज़ा ओरिगैनो का ही बेस पिज़्ज़ा ओरिगैनो का पाउडर है। ये लगभग मैं आधा टीस्पून ले रही हूँ। यहाँ मैं कुछ ऐड कर रही हूँ 1 से 2 पिंच चिली फ्लेक्स। अब हम इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और इसे पानी डाल के इसका एक आटा गूंद लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा ये पिज़्ज़ा का जो बेस होता है वो डो अब रेडी है। अब चलते हैं पिज़्ज़ा सॉस के टॉपिंग के ऊपर। सो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बोल में 1/2 कप बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, 1 मीडियम साइज का जो शिमला मिर्च होता है उसे भी मैंने बारीक काट लिया है, 1 मीडियम साइज टमाटर जिसके बीज जो होते हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, 2 से 3 टेबलस्पून उबले हुए कॉर्न, इसे मैं पहले ही मैंने थोड़ा सा एक बॉईल ले लिया था। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ 2 टेबलस्पून ग्रेटेड चीज़। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल अपना जो अमूल का चीज़ होता है वो लिया है। इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक और जो हमने पहले यहाँ पिज़्ज़ा का ऑरिगैनो ये एक मिक्सचर लिया था वो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये जो किसान का बहुत ही रेडीली अवेलेबल पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस है उसे मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। अब हम इस सारे इंग्रेडिएंट्स को एक मिक्स दे देंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून। अब इन सारे सब्जियों को हम एक मिक्स दे के रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो ये सारे सब्जियों को एक बार सॉटे कर सकते हैं, बट ये सारे सब्जियां आप एज अ पिज़्ज़ा पे टॉपिंग पे आप ऐसे ही ऊपर कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो जब हम कुकिंग प्रोसेस करेंगे तब ये काफ़ी पक जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा ये पिज़्ज़ा का टॉपिंग रेडी है। अब चलते हैं पिज़्ज़ा बनाने की प्रोसेस पे। यहाँ पे मैंने जो पहले ये मैदे का आटा गूंद लिया था उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा लिया था। अब इसका जो 1/2 डो है वो हम लेंगे, इसका एक हम गोला बना लेंगे। यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रही हूँ प्लेटफॉर्म पे और ये जो डो है उसका एक चपाती जैसे हम बनाते हैं वैसे इसे थोड़ा सा हमें यहाँ पर इसे मोटा सा बेल लेना है। अब मैंने यहाँ पर ये बेल लिया है, थोड़ा सा मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है। अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा इसका जो वाटी होता है वो लिया है, इसे अब यहाँ पर मैं एज पे से यहाँ पर शुरू करके इसके राउंड कट्स करके ले रही हूँ।
अब मैंने सारे डो पे ऐसे यहाँ पर ये वाटी के मदद से एक राउंड पूरी शेप में ले लिया है बना के। अब इसके जो एक्स्ट्रा ये जो एजेस है उसे हम निकाल लेंगे। अब हम इसे बेक करने के लिए यहाँ पर ये अप्पा का जो पैन होता है वहाँ पर यहाँ हम ये सारे हमारे कटिंग्स जो है बेस के उसे हम यहाँ पर प्लेस कर लेंगे पहले। अब मैंने यहाँ पर एक मैदा का ये हमारा जो बेस है उसे लिया है। इसे मैं यहाँ पर हल्के से थोड़ा सा बटर से ग्रीस कर रही हूँ। पूरे बेस को अच्छी तरह से हमें बटर लगाना है। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे उल्टी की तरफ हम इसे पलट लेंगे और हमारे ये जो अप्पा पैन है उसमें यहाँ पर ऐसे प्लेस कर लेंगे। ध्यान रखिएगा आपको इसे अच्छे से नीचे तक इसे प्रेस करके प्लेस करना होगा बड़ी हल्की हाथों से। इसी तरह हम हमारे बाकी के बचे हुए जो 11 यहाँ पे अप्पा के जो सेक्शंस है उसमें हम हमारे डो को पहले रख लेंगे बटर लगा के। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये जो अप्पा मोल्ड है उसमें सभी हमारा जो बेस है उसे प्लेस कर लिया है बटर लगाकर। अब हम चलते हैं फिलिंग की तरफ। फिलिंग के लिए पहले हम लेंगे यहाँ पर एक लगभग आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस और यहाँ लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ डाल रही हूँ। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हमारा जो मिक्स वेजिटेबल का जो हमने ये बनाया था फिलिंग बनाया था उसे यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ। अब इसके ऊपर हम और थोड़ा सा चीज़ डालेंगे हमारा ग्रेटेड चीज़। अब इसी तरह से मैं हमारे ये सारे मोल्ड्स को फिलिंग और चीज़ के साथ से भर लूँगी। अब हमने यहाँ पर सारे हमारे जो पिज़्ज़ा बेस है उसमें ये फिलिंग करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ईच बेस है उसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर आगे नज़दीक ले रही हूँ ताकि ये हमारा जो फिलिंग है उसमें अच्छे से कवर हो जाए इस तरह से। अब हमारा ये पिज़्ज़ा रेडी है। अब इसे हमें सिर्फ बेक करना है। मैं इसे मीडियम आंच पर ऊपर से ये जो हमारा इसका लिड है उसे कवर करके लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इसे बेक कर लूँगी। अब हमने इसे इस हमारे अप्पे के पैन को यहाँ पे बेक करने के लिए रख दिया है। तवे को यहाँ पे मैंने मीडियम आंच पर रखा हुआ है। आप इसे अच्छे से ढक के रखना होगा, आपको प्रॉपर लिड पे लगाइएगा ताकि अंदर का चीज़ और सब्जी और हमारा जो बेस है वो अच्छे से पक जाए। अब हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं अब ये एक तरफ से काफ़ी पक चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्राउन हो गया है। अब इसके जो ऊपर की तरफ जो है इसे भी हमें थोड़ा कुक करना होगा। अब इसे मैं पलट रही हूँ यहाँ पे। इसी तरह से हम सारे ये हमारे पिज़्ज़ास को यहाँ पे उल्टा कर लेंगे ताकि ये ऊपरी तरफ से भी अच्छे से कुक हो जाए। अब मैंने यहाँ पर गैस का आंच बंद कर लिया है। मैंने यहाँ पर इसे पलट के रखा था ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं ये दूसरी तरफ से भी काफ़ी रेडी हो चुका है। अब इसे हम आप देख सकते हैं ये अब रेडी है। इसी तरह से हम हमारे सारे जो अप्पे पैन में बने हुए पिज़्ज़ाज़ है उसे निकाल लेंगे। अब हम इस पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर लेंगे और हल्का सा थोड़ा ऑरिगेनो होगा। अब हमारा अप्पा बोल में मिनी पिज़्ज़ास है रेडी टू सर्व। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। हैप्पी कुकिंग।